सरदारपुर मंदिर की बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में एक टू व्हीलर बाइक को हुई आगजनी के हवाले। दोनों पक्षों के विवाद में कई लोग हुए जख्मी और कुछ को गंभीर चोटें आईं। सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत भानगढ़ में अति प्राचीन भैरव जी मंदिर, जो कि शासकीय सर्वे नंबर 1806/A की भूमि पर स्थित है, जिसकी बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर 10 सितंबर को रात्रि में आदिवासी समाज और कुमावत समाज के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आमने सामने पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं मौके पर एक टू व्हीलर वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए और कुछ को गंभीर चोटें आईं। विवाद की सूचना मिलते ही सरदारपुर और राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर भेजा गया, जहां उनका उपचार हुआ है। वहीं सरदारपुर थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। उक्त भैरव जी मंदिर वाली भूमि भी शासकीय है। सिर पर चोट आई है, किस कारण से? कैसे आप मतलब घायल हुए, कब की घटना है? थोड़ा जोर से बोला। ग्राम भानगढ़ में घटना हुई है धर्मशाला निर्माण को लेकर मंदिर परिषद के बाहर। क्या है वहाँ का घटनाक्रम? वहाँ का घटनाक्रम ये है कि जिस प्रकार से वहाँ पे पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव लिया गया था कि यहाँ पे आदिवासी हरिजन के लिए मांगलिक भवन बनाया जाएगा, तो उनकी जैसे ही उनको पता चला, खबर लगी कुमाऊं समाज के लोगों को, तो उन्होंने मीटिंग करके रातों रात मंदिर निर्माण और उसके आसपास बाउंड्री निर्माण करने का कार्य चालू कर दिया। हम आज सभी गांव के समाज जन आदिवासी हरिजन लोग गए और सौ नंबर गाड़ी बुलाई और वहां रोक लगवाने के लिए बातचीत चली रही थी। सर भी आ गए थे, रोक लगाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने अचानक पत्थरबाजी कर दी, गाली गलौज करने लगे और लड़े झगड़े करने लगे, मारपीट करने लगे। तो हम इसी के लिए SDM साहब को भी आवेदन देने के लिए आए थे, थाने पर भी आवेदन दिया है कि हमारे ऊपर। मारपीट की घटना में तकरीबन कितने लोग घायल हो गए? 7 से 8 लोगों को चोट लगी है, जिसमें से 4-5 लोगों को गंभीर चोट लगी है और एक गाड़ी जला दी है, जो कि गांव का गरीब व्यक्ति बहुत ही, जिसका नाम है धर्मेंद्र, पिता रामेश्वर गामर, अत्यंत गरीब घर से है, आज उसी की गाड़ी जला दी। उसके ऊपर क्या गुजरे हो? इस पूरे घटनाक्रम के वक्त आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, हम वहीं थे। ठीक है, आपका नाम बताएं? मेरा नाम शांतिलाल मालवीय, ग्राम भानगढ़ से हूँ। जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर आज आदिवासी समाज काफ़ी आहत में है, इस बारे में आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देना है। क्या है पूरा मामला, क्या है आपके मांग, क्या है? ग्राम भानगढ़ का जो मामला है, मेरे को रात को भी सूचना मिली थी साथियों के द्वारा और अभी भी मैं यहाँ आया हूँ। वहाँ पर पहले से आदिवासी और STI समाज के लिए मांगलिक भवन आवंटित है, सांसद निधि, विधायक निधि और पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव कम्प्लीट है। उसके बावजूद भी उस भूमि पर अवैध निर्माण अन्य समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने सूचना दी 100 को और बुलाया कि आप जब तक निर्णय नहीं होता है इस मामले का, आप निर्माण बंद कर दीजिए, इतना बोला इन्होंने सिर्फ। उसके बावजूद उन लोगों ने कई मारपीट की, लड़ाई झगड़ा हुआ, जाति सूचक शब्द बोला और उन लोगों का अभी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि इनको बिल्डे, उनको चमार, उनको पूरे भानगढ़ TMIC में सभी पानी, कुएं, होल से पानी, हैंडपम्प से पानी नहीं पीने देंगे और बंद कर देंगे। तो मैं अभी समाज के साथ, संगठन के साथ SDM कार्यालय भी पहुंचा हूं। अभी थोड़ी देर पहले सरदारपुर थाने पर भी आवेदन दिया है। मेरा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि ये 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ट्राइबल इलाका है, जल्द से जल्द इन गरीबों को, आदिवासियों को न्याय मिले, नहीं तो हम उग्र आंदोलन की ओर है और न्याय हमको जरूर। क्या अगर वहाँ निर्माण अवैध चल रहा था तो प्रशासन सोया है क्या? जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता, इन्होंने, प्रशासन ने अभी तक निर्माण कार्य क्यों नहीं रुकवाया? हरण जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राजा हर्षवर्धन सिंह जी आए थे, तो उस वक्त समाज के लोग वहाँ क्यों नहीं मौजूद हुए? भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्यों इस बात का विरोध नहीं किया है? इसके लिए आप किसको गलती? इसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, जो विवाद हुआ मेरे को अभी मालूम पड़ा है। रात मैंने उस भूमि को भी नहीं देखी है और मैंने सिर्फ कागज देखे और सूचना के माध्यम से। जी जी, दूसरा मेरे को वो सूचना उसके भूमि पूजन के वक्त हमारे मीडिया साथी वहाँ मौजूद थे और उस समय वहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ था, उसकी खबरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिस प्रकार ये घटना कल हुई है। और इसी बात को अगर पहले कुछ बैठक और सुझाव के माध्यम से हल किया जाता तो आज ये विवाद नहीं होता। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये तो देखना पड़ेगा, इनसे और जानकारी लेना पड़ेगा बैठक वगैरह। बाकी उस भूमि पूजन जब हुआ था या मंदिर का मामला था, वो जब मेरे को सूचना नहीं मिली थी। और विवाद का मामला नहीं है, इनको भी हमने बोला है कि कानूनी प्रक्रिया से अपन लड़ेंगे और बाकी इस बात वगैरह पर। उन लोगों ने गलत किया है, उनको ये सिर्फ इतना बोलने गए थे कि यार आप निर्माण कार्य रोक दीजिए, तो उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। और
यहाँ का शासन प्रशासन, अगर मेरा यही निवेदन है कि इनको न्याय देना चाहिए। अगर जाति सूचक इतना खतरनाक बोला है, पानी का मीटर है, पत्थर मारे है, गाड़ी जला दी है, तो शासन प्रशासन कब जाकेगा और न्याय देगा? हमारा यही निवेदन है। और हम जल्द से जल्द अगर ये नहीं होता है तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। आपका नाम और पता बताएं। कामड़ जयेश अध्यक्ष। पंचायत भानगढ़ का मामला आया है, बीती रात वहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ है, क्या है पूरा घटनाक्रम? जी, कल रात्रि में ग्राम भानगढ़ में कुमावत समाज के भैरव जी महाराज मंदिर के समीप जो है बाउंड्री वाल को लेके विवाद हुआ, जिसमें कुमावत समाज और आदिवासी समाज के बीच में जो साधारण विवाद हुआ, उसमें शिकायतों पर कुछ लोगों को चोट लगी, जिसके आधार पे दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जी सर, किन धाराओं के तहत ये प्रकरण दर्ज हुआ है? मारपीट का है, पत्थर जो फेंके हैं, पत्थरबाजी हुई है, उसमें जो आवश्यक धाराएं हैं उन धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है। ये सर, जिस जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है, ये आज जांच जैसे आपके द्वारा की गई है मौके पे, इसमें क्या पाया गया है, मतलब क्या दिख रहा है, किसको आवंटित हुई है भूमि? मुख्य रूप से ऐसा कोई आवंटन का पत्र तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भैरव जी का जो मंदिर बना हुआ है, आवंटन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद है। आवंटन के संबंध में अभी तो प्रथमतः तो ये पता चला है कि शासकीय जमीन है, वहाँ पर मंदिर पूर्व से बना हुआ है, उसके संबंध में देखा जाएगा कि किसका वहाँ पर किसको आवंटित है। यदि ये पता चलता है तो और उसको देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं सब इंस्पेक्टर वंचित सिंह।